आपको याद नहीं है पिछले साल उसने शेखों के साथ क्या किया? क्या किया था? अभी जी सूली बदमाश ने शेखों से बत्ता मांगा, उन्होंने दिया नहीं। फिर सारी सर्दियां सूली बदमाश ने शेखों के लड़के के कपड़े गीले करके मोटरसाइकिल बिठा के चलवाया उसे। हुए हुए हुए। अब्बा जी कह रहे हैं फरौनियत है, इतनी ठंड में धुंध में गीले कपड़ों के साथ मोटरसाइकिल पे। मौला किसी दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए। दिन में नहीं रात में मोटरसाइकिल चलवाता था। और आशू पुत्र ओ बार वाला दरवाजा बंद कर दे, पुत्र ठंड लगनी शुरू हो गई है। भाभी कोई दो घंटे ही वाले। अब्बा जी वो सब तो फिर भी मुनासिब लोग थे, पता नहीं आप लोगों का क्या हाल करेगा सुनी बदमाश। ओ पुतली अब जगह कदर जा है और रूम के जाना है, हर हाल में जाना है। खान साहब आग के दरिए की खैर है, बस पानी ठंडा ना हो। बेटा खान साहब के इलाके में इतनी इज्जत तो है, पानी तो गर्म करके बह के रहा हूँ। भाजी एक बार फिर सोच ले, ठंड बहुत है। हो पुत्र मैंने सोच लिया है, जून जुलाई में चले कैसे शोखे हो ना मुरादो, वो इतना लंगर खाते हो मरते जा रहे हो। पुत्र जाना है और जरूर जाना है। भाजी आपका ये आखिरी फैसला है? बेटा मेरा ये पहला भी फैसला है। अच्छा जी,